वेलकम गाइस हमारे यूट्यूब चैनल माहिर राम पे। तो स्वागत है आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने व्लॉग को पूरा वॉच करना है और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना है। हर हर महादेव गाइस। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो जो बसों से हम लोग ऑलरेडी उतरे थे वो पहले वाले व्लॉग में, तो वो पता नहीं आप लोगों ने देखा या शायद नहीं। तो यहाँ से जितने भी यात्री ये देखो कैंप लगा के पानी वगैरह पीते हैं, पानी वगैरह पी के फिर सीधा जाएंगे हम लोग माता के मंदिर पे और वहाँ जिस तरह से पूजा वगैरह करते हैं और धूप ध्यान करते हैं वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बने रहना हमारे साथ इस वीडियो पे। तो चल के आगे कभी आप लोगों को दिखाते हैं। धन्यवाद। जल्दी आओ थोड़ा। कुछ माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं और कुछ माता के मंदिर से वापस आ रहे हैं और हमारे यात्री जो हैं वो अभी एक जगह पे हम लोग बैठे हैं। जय हो बोलो भोलेनाथ की। जय जय बोलो बजरंग बली की। जय बोल शिव शंकर भोलेनाथ की। जय माता के मंदिर पे यात्रियों का इतना मन लग चुका है कि घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा, यहीं बैठे हुए हैं। इन लोगों को बहुत बोला है कि चलो चलो, ये बोलते हैं नहीं आज हम नहीं जाएंगे, तो अभी यहीं बैठे हुए हैं। बड़े खुशी आई है सानू जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े लोग अच्छे ने थे होते। अच्छा पहाड़ी लोग ने, जंगली लोग ने। आपको खाने पीने में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और आप लोगों की सिक्योरिटी भी पूरी रखी गई है ना? तो गाइस आप लोग देख सकते हो किस तरह से यात्री जो है वो अभी अपनी बसों वगैरह पे जा रहे हैं और यहाँ कैंप लगा के बैठे हुए हैं। जो सेवाधारी हैं वो सेवा वगैरह भी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग को पूरा वॉच करना है क्योंकि आगे जो है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों ने ये यात्रा कंप्लीट वॉच करनी है, तो आगे जो नेक्स्ट यात्रा होगी वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते थे हमारे जो यात्री थे वो थक के एक जगह पर बैठे हुए थे और अब यहाँ से जो है भंडारा चल रहा है ये पानी का। तो यहाँ से फिर सीधा जाएंगे हम माता के मंदिर पे, वहाँ चल के प्रणाम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जो है आगे का व्यू आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर कर देना है। और ये देख सकते हो इस तरह से कुछ पहाड़ों के ऊपर से हम लोग जाएंगे माता के मंदिर पे, जो एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है हिंगलाज माता का मंदिर। और वहाँ जो है ऑलरेडी लोग वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, झूमर खेल रहे हैं, अपने भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए इस यात्रा को। जय हिंगलाज माता। हिमराज भाई जो हमारे साथ आया हुआ था वो आ गया कि जा रहा है और बस करीब ही है माता का जो मंदिर है। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं माता के मंदिर पे, वहाँ चल के हम लोग भी माता की पूजा वगैरह करेंगे और यात्रा कंप्लीट करके जो 84 धाम फिर वो जाएंगे, वो भी आप लोगों को विज़िट कराएंगे। अगर आप लोग न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप पहुँचे। तो भाई इस तरह से कुछ हम लोग यहाँ से क्रॉस होकर सीधा जाएंगे माता के मंदिर पे। ये तो जाए वगैरह आप लोगों को दिख रही होगी और यात्रियों की जो है भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है मंदिर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये यात्रा जो है बहुत पसंद आएगी। अभी कुछ यात्री जो पहुँच चुके हैं और कुछ जो है वो वापस आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये हिंगलाज माता का मेला जो है, यहाँ यात्री जो है वो एकदम से बड़े बड़े वो बूफर्स में भक्ति चला के
एंजॉय कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं भक्ति। हम आए तुम्हारे द्वारे, जोड़ियां भर दे, जिंदगी आज